मुंगेर के पुलिस अधीक्षक जे जे रेड्डी ने तारापुर एवं संग्रामपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पुलिस मैनुअल के अनुसार समस्त कार्यों का बारीकी से अध्ययन एवं अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए संग्रामपुर एवं तारापुर थाना अध्यक्ष को कई निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक जे जे रेड्डी के थाना पहुंचने पर सर्वप्रथम क्यूआरटी एवं थाना पुलिस बल के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों संग बैठक कर सभी कांड के बारे में विस्तृत जानकारी ली। एसपी ने निरीक्षण के उद्देश्य बताते हुए कहा, कांडवार के इस डायरी का निरीक्षण अवलोकन के पश्चात अनुसंधानकर्ता को दिशा निर्देश देना है। जो कांड निष्पादित हो सकते हैं उसका निष्पादन करना भी इसका उद्देश्य है। पुलिस अधीक्षक ने सभी अभिलेखों केसों का रिव्यू किया। उन्होंने थानाध्यक्ष को सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कड़ी चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। क्षेत्र में हुई लूट हत्या सहित गंभीर कांडों में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। लंबित कांडों को शीघ्र निष्पादित करने सहित फरार वार्टी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ वाहन चेकिंग, रात्रि गश्ती, बैंक एटीएम पर नजर रखने की हिदायत दी। निरीक्षण क्रम में कुछ त्रुटियां पाई गई है जिसे एक सप्ताह के अंदर दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पंकज कुमार, इंस्पेक्टर रमेश सिंह, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन, एसआई अजितेंद्र कुमार, प्रशिक्षु दरोगा उज्ज्वल कुमार, सोनी कुमारी सहित सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। सर क्या पाया गया सर बता दीजिए। ये एनुअल इंस्पेक्शन होता है तो वहाँ हम लोग यहाँ आके सारा थाना का रख रखाव और जो रजिस्टर का रख रखाव सब चेक करते हैं और यहाँ का समस्या जो भी होता है उसका भी हम लोग सुनते हैं, उसका निराकरण करने के लिए कोशिश करते हैं और उसमें यहाँ सब ठीक ठाक पाया गया। क्लिनलीनेस भी थाना का अंदर ठीक है और रख रखाव भी ठीक है, जो रजिस्टर का अपडेट है और कुछ जो भी कुछ कमियाँ आए हम उनको निर्देश दे दिए कि उनको भी 7 दिन के अंदर अपडेट करके रिपोर्ट करें। संग्रामपुर और तारापुर का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं तो वार्षिक निरीक्षण होता है। यहाँ हम लोग थाना में जो क्लीनलीनेस चेक करते हैं, रखरखाव चेक करते हैं, गाड़ी का चेक करते हैं और उसके अलावा पंजी भी चेक करते हैं और अन्य कोई समस्या है तो हम लोगों का समस्या का निराकरण जो थाना में होता है उसका भी हम समस्या का सुनते हैं और उसका निराकरण किया जाता है। तो हर साल एक बार इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग।